मेले बाबू ने थाना थाया। वेलकम बैक टू द चैनल। आज आवाज़ थोड़ी कम आएगी क्योंकि मैं हूँ इस वक्त मुहर्रम के हरी महफिल में सब सिक्योरिटी के लिए, और ये छोटू पिछली व्लॉग में आपने देखा होगा, छोटू भी था। और बिना माइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आने वाली, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ। और ये छोटू तो हमारी पूरी टीम आई हुई है, आज सारे दोस्त लोग इकट्ठा हुए हैं। और ताजिया देख सकते हो यार, बहुत ही गजब का नज़ारा है। यार देखो ताजिया देखो खाली यार, बहुत गजब का ताजिया। सारी पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत गजब का नज़ारा है। अगर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ अगर देखना है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो। यार काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रश है। और पीछे ताजिया वगैरह सब आ रहे हैं, बाकी मैं हूँ आगे और हमारी टीम ये सामने जा रही है, और सारे लोग सिक्योरिटी के लिए खड़े भी हैं यहाँ पे। तो जा रहा है ये रहा शाहरुख, ये लोग सब नए, इनको नहीं जानते हो। छोटू ये रहा छोटू, बैक टू बैक चैनल। हाँ मेरी जान। और इस डायलॉग का जो लेना है तो इस साल 2022 के मुहर्रम के उत्सव में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। इस बार मैं हूँ अहमदाबाद के अंदर गुजरात की धरती पे, तो यहाँ का मुहर्रम देखने का अलग ही नज़ारा है, अलग ही मज़ा है। यार आज के इस मुहर्रम के दिन में मैं सोचा था कि वाइट पहन के जाता हूँ, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन हुआ ऐसा कि पूरा वाइट का कचरा हो चुका है। ये देखो पीछे पूरा पूरे कपड़े की पैंट बची पड़ी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत जोरदार ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पे, काफी ज्यादा है। देखो आज कुछ बोलना नहीं है, आज बस देखना है और आनंद उठाना है। तो आज कुछ बोलना ही नहीं, मुंह पे साइलेंट लगा के चुप बैठना और देखते रहना है। छोटू का क्या छोटू
ये सारी सुविधाएं भी होती है। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है ये अहमदाबाद का आस्टोडिया दरवाज़ा। इस दरवाजे का पीछे का राज मैं बताता हूँ। राज ये है कि पहले अहमद शाह बादशाह जब यहाँ से अपने घोड़े हाथियों की सवारी से यहाँ से गुजरा करते थे तो ऊपर से फूल बरसाया जाता था और ये काफ़ी ऊंचा था। अब कुछ डाउन हो चुका है, ये रोड वगैरह बन गया। तो इसके बाद पीछे का वो राज है जिसके ऊपर से फूल बरसाया जाता था, तो ये वो दरवाज़ा आस्टोडिया। इसके आगे एक दरवाज़ा है, उसको बोलते हैं लाल दरवाज़ा। तो ये है सीन। अभी यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये सिक्योरिटी के लिए है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो ये है वो तीनों सुपरस्टार। काफ़ी लॉजिकली बात है कि आप अगर किसी को सुपरस्टार बनाते हो और वो आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए शिखर विमल सिगरेट सिखाता है और अपने बच्चों को लंदन पेरिस पढ़ने को भेजता है, बनाओ सुपरस्टार ऐसे लोगों। जोर दो जोर दो। मैंने बाबू ने गाना दाया। नहीं दाया। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एक छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए ये हमारे आसिफ भाई ब्लॉगर है। इनके कपड़े की हालत देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनके कपड़ों की हालत हो चुकी है, ब्लैक एंड वाइट हो गया पूरा। और ये हमारी टीम है जो पानी पीने में अभी बिजी है, और ये मैं हूँ छोटू दादा। मेले बाबू ने थाना थाया कि नहीं? मेले बाबू ने थाना थाया। मेले बाबू ने थाना थाया। छोटू एंट्री इसकी रखोगा, मैं पहले यही बकेगा। तो इस वक्त मैं हूँ करबला के पास अली वाली मस्जिद, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। फुल ब्लॉग जो इसका स्पेशली मैं अलग से डालूंगा, बाकी अभी इस वक्त मैं करबला के पास हूँ। इससे पहले मैंने कोलकाता का करबला दिखाया था, वो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और यहाँ भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये बीच में आप लोग देख सकते हो मेरे बाबू ने खाना खाया। ताजिया कमेटी के शुभेच्छक तमाम साथीदार।